अच्छा हंसी है, थोड़ा टेंशन में दिख रहे थे। ये हमें पता चला कि उगांडा से मंगाया है एकदम रसना सत्तू। ये देखिए सनोज भाई जीरा साली खा रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आज सुबह सुबह सनोज भाई का कॉल आया, मैं धनबाद की टीम से, वुमेन स्टडीज़ की टीम से, और उन्होंने मुझे बोला कि आज संडे आ जाइए, कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक पिलाते हैं आपको, देसी ड्रिंक। तो अब संतोष से क्या पिलाने वाले हैं देसी ड्रिंक पर, जैसे उन्होंने बोला देसी ड्रिंक, तो आप लोग भी कुछ सोचेंगे कमेंट में, क्या सोचेंगे। तो मैं आया और अभी वो मुझे पिलाने वाले एनर्जी देसी ड्रिंक। तो सनोज भाई आ चुके हैं। सनोज भाई स्वागत है, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं एंड गुड मॉर्निंग ऑल धर्मादियंस। गुड मॉर्निंग। सो आज संडे है, संडे का सुबह आपने जैसे बोला कुछ एनर्जी ड्रिंक देसी ड्रिंक, तो कमेंट बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे, एक बार कमेंट बताइए आप लोग क्या सोच रहे थे, आप आज देसी ड्रिंक में क्या हमें पिलाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, हम लोग पीने वाले हैं प्योर देसी सत्तू। और एक बात का हम लोग हमेशा से ही सभी को कहते हैं और आज भी कहेंगे कि बहुत सारी वेस्टर्न कल्चर के कारण आज हम लोगों की जो देसी चीज़ें हैं वो हमारे सोसाइटी से गायब हो चुकी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, पता नहीं वगैरह वगैरह क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। लेकिन यहाँ का जब एक बार आप सत्तू पियेंगे तो आपको एहसास होगा कि जितना कोल्ड ड्रिंक है, जितना सॉफ्ट ड्रिंक है, सब कुछ इसके सामने टिका है। और प्राइस के बारे में सुनो जी बताएंगे कि यहाँ का जो प्राइस है बहुत ही अनबिलीवेबल और अमेजिंग प्राइस है। आपका नाम क्या भैया? सचिन। सचिन, अच्छा वो क्रिकेटर वाले में बेस्ट थे आप सत्तू बनाने वाले में। सो कितने साल से आप लगा रहे हैं यहाँ पे? 25 साल? 5-6 साल? अच्छा 5-6 साल। और क्या क्या मिलता है आपको शॉप पे? अच्छा तो सत्तू का प्राइसिंग क्या आपके पास? 10-15-20-25। और दिखाएंगे 10-15-20-25। ग्लास दिखा दीजिए कौन सा है और डिफरेंस क्या है 10-15-20-25 में क्वांटिटी का? अच्छा ये 10 वाला हुआ, बाकी ये 20 का है। अरे ये तो लस्सी वाला ग्लास है, जबकि सब में सेम चीज़ जाता है। क्या क्या जाता है बताइएगा? अच्छा अच्छा सब मिला के। तो चलिए आप लोग को दिखाते कैसे बनता है सत्तू का एनर्जी ड्रिंक। चलिए भैया शो शुरू किया जाए। देखिए गाइस आप लोग को दिखा रहे हैं सीक्रेट, कैसे सीक्रेट मेकिंग ऑफ ऑसम सत्तू आप घर पे ही बना सकते हैं। फूड ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको फूड रेसिपी मेकिंग भी यहाँ पे दिखेगा इस चैनल में, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये देखिए इसमें सत्तू, ये लीजिए सत्तू। इस डंटे को क्या बोलते हैं? कुराटी। ये हमें पता चला कि उगांडा से मंगाया है एकदम। हम लोग तो होटली बोलते हैं, ये उगांडा से आया है इनका जो सत्तू है, ये सुना है युगोस्लाविया से आता है। जोक्स अपार्ट गाइस, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया। ये क्या है? नमक। नमक ये चीनी है भैया? कंफर्म कर दीजिए आप। अच्छा हाँ, ये जब तक आप पुष्टि नहीं कीजिएगा हम लोग फिर बोल देंगे, फिर पता चला आप कुछ और डालते हैं। नींबू। घर पे उगाते क्या ये वाला? अच्छा कंफर्म कर लेना जरूरी है। किसी भी चीज़ में नींबू डालने पर उससे टेस्ट अलग ही इन्हेंस हो जाता है। ये गया नींबू। जब नींबू का दाम बड़ा हुआ था तो कंजूसी से नींबू डालते थे या नहीं डालते थे? नहीं, अच्छा डालते थे। नींबू तो सबसे महंगा है। ओह ये सही है, इसका सारा यूएसपी नींबू पे ही है। सुनो भाई क्या कहते हैं, एक बार रसना डाल के पिया जाए क्या? रसना सत्तू हमको बचपन से कभी पसंद नहीं आया। ये देखिए मजा नहीं आया सर। और जीजा साली भी खाते थे। अच्छा जीजा साली, देखिए सनोज भाई जीजा साली खा रहे हैं। कुछ दिन बाद पता चला कि कोक सत्तू आ जाएगा मार्केट में। बिल्कुल। जैसा जैसा चल रहा है अभी ट्रेंड से आपसे ओरियो सत्तू कुछ भी हो सकता है।
देखिए चिकन सत्तू चिकन के पीस देखिए देख रहे ये कैसे बोल रहे हैं, आई एम ऑल्सो चिकन लवर, ये हमें कहीं ना कहीं टोन मार रहे हैं। आप इतना टेंशन में क्यों भैया? अच्छा हंसी है सर, बड़ा टेंशन में दिख रहे थे। वही हम देखे वीडियो, बड़ा टेंशन। तो ये हो चुका है रेडी, चलिए हो चुका है हमारा सत्तू रेडी। हम लोग का दो जगह रहेगा, मत डालिए मेरे पिछले नहीं, मेरा मेरे एक में नहीं रहेगा, एक में मिर्चा मत डालिएगा। ये क्या डाल रहे हैं? पुदीना, यहाँ का झालमुड़ी भी मेरा भैया खाए थे, बोल रहे थे अच्छा था, झालमुड़ी खाए नहीं है। अब 10 रुपये में देखिए बादाम भी डाला जाता है, बहुत जगह पर 15 रुपये लेगा, बादाम नहीं डाला जाता। गर्मी से राहत लेने के लिए हम लोग पी रहे देसी एनर्जी ड्रिंक विच इज़ कॉल्ड सत्तू। आप में से किसी को अगर पता है हिंदी में तो सत्तू बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ भाई को तो पता ही होगा, लेकिन हम लोग अभी बोलेंगे नहीं, लेट्स सी कितने लोग कमेंट में बता पाते हैं। तो चीयर्स टू सत्तू, चीयर्स। हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए, आपका नाम क्या है भैया? अमरजीत कुमार। और कैसा लगता है यहाँ का सत्तू ड्रिंक? बहुत ही अच्छा लगता है, रिकमेंड कीजिएगा लोगों को। हाँ चलिए भैया, थैंक यू, टेक केयर। जितने भी दर्शक है वो बोल दिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए, हाँ। सो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये देसी एनर्जी ड्रिंक पसंद आया, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सनोज भाई का ये पता नहीं 5वां 6वां 7वां कौन सा ग्लास है, जब तक मैं शूट चला था तब तक इन्हें ग्लास चला था, बोले ग्लास रुकना नहीं चाहिए, तो शूट चलेगा ग्लास चलेगा। तो हमारे जितने भी दर्शक है एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिए। बिल्कुल, आप सभी धन्यवादियों से जरूर जुड़िए, इनका कंटेंट रियली अमेजिंग रहता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड रग रग में। धन्यवाद।